हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग देख रहे हैं घटनाचक्र। इसमें देखेंगे हम लोग 1 नवंबर 2018 से 20 नवंबर 2019 तक का करंट अफेयर्स देख रहे हैं घटनाचक्र। तो इसमें हम बता दें, आपको पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य में, और राष्ट्रीय परिदृश्य में हम लोग देख चुके थे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स तक। अब इसमें शुरू करते हैं हम लोग सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन के बारे में। ठीक है, आपको बता दें कि छोटे ही छोटे लेक्चरों में बात कर रहे हैं पार्ट बाई पार्ट। आपको बता दें कि प्लेलिस्ट सूची में घटना चक्र दृष्टि के नाम से, 2019 के नाम से एक सूची होनी हुई है, उसी में सब सभी लेक्चर पड़े होंगे, वहां से जाकर देख सकते हैं। छोटे ही छोटे बना रहा है लेक्चर, 15 से 20 मिनट तक के। ठीक है, देश में पिति सुमन योजना। देश में पिति वर्ष गर्भावस्था तथा प्रसव के दौरान मातृ एवं शिशु मृत्यु की बढ़ती घटनाएं चिंता का विषय है। इसकी रोकथाम हेतु समय समय पर सरकार द्वारा उठाए जाते हैं कदम। स्मरणीय तथ्य इसके देख लेते हैं सुमन के, तो 10 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने माताओं एवं नवजात शिशुओं के जीवन की सुरक्षा हेतु गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान करने के लिए सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन का शुभारंभ किया है। कब? 10 अक्टूबर को, याद रखना 10 अक्टूबर 2019 को। इस पहल का शुभारंभ नई दिल्ली के में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण परिषद के 13वें सम्मेलन के दौरान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य अस्पताल में मातृ एवं शिशु मृत्यु की रोकथाम, भुगतान सहित रहे तथा सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत माताओं एवं नवजात शिशुओं प्रसव के 6 महीने बाद निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसी तरह गर्भवती महिला को प्रसव से पूर्व कम से कम 4 बार मुफ्त मुफ्त जांच का अधिकार है। इस योजना का लक्ष्य यह सुनिश्चित करता है कि चिकित्सा सुविधा के अभाव में किसी भी गर्भवती महिला एवं नवजात शिशु की मृत्यु ना हो। मातृ मृत्यु अनुपात पर विशेष बुलेटिन। नवंबर 2019 में भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा मातृ मृत्यु अनुपात MMR पर जारी विशेष बुलेटिन के अनुसार एक वर्ष के दौरान भारत के मातृ मृत्यु अनुपात में 8 बिंदुओं की कमी दर्ज की गई है। 2014-15 में प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर जन्म पर MMR मतलब मातृ मृत्यु अनुपात 130 था, जो वर्ष 2015-16 में घटकर 122 तक पहुंच गया, जो कि 6.2% की कमी प्रदर्शित है। जिन 7 राज्यों में MMR में कमी की दर राष्ट्रीय औसत 6.2% से अधिक है या उसके बराबर है, वे कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत MMR को वर्ष 2020 तक प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर 100 तक लाने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य को 11 राज्यों ने प्राप्त कर लिया। ये राज्य हैं केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, गुजरात, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और हरियाणा। 2015-17 की अवधि में उत्तर प्रदेश का MMR रहा 216 दर्ज किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग दूसरी खबर, व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण। अक्टूबर 2019 में पहली बार व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया। सर्वेक्षण यूनिसेफ द्वारा समर्थित है। वर्ष 2016 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार ने इस सर्वेक्षण हेतु डिजाइन और प्रोटोकॉल को मंजूरी प्रदान की है। CNNS
ग्रामीण और शहरी परिवारों को कवर करते हुए भारत के 30 राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों में एक बहु स्तरीय सर्वेक्षण डिजाइन का उपयोग करते हुए संचालित किया गया है। इस सर्वेक्षण हेतु आंकड़े 3 लक्ष्य समूह यथा 0 से 4 वर्ष आयु, 5 से 9 और 10 से 19 वर्ष आयु से एकत्रित किए गए। सर्वेक्षण के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के 35% बच्चे ठेंगने, 17% बच्चे लंबाई के अनुपात में कम वजन के और 33% बच्चे सामान्य से कम वजन के हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के 2% बच्चे मोटे हैं। 5 से 9 वर्षों के बच्चों में 22% ठिकनेपन है। 10% बच्चे सामान्य से कम वजन वाले हैं। 23% बच्चे दुबले हैं और 10 से 19 वर्ष की आयु वाले 24% बच्चे दुबले हैं। 5% बच्चे अधिक वजन के हैं। सर्वेक्षण के अनुसार 0 से 4 वर्ष के 41% बच्चे, 5 से 9 वर्ष के 24% और 10 से 19 वर्ष के 28% बच्चे एनीमिया से ग्रसित हैं। 40% किशोरियाँ तथा 18% किशोर एनीमिया के शिकार हैं। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता एवं दृष्टिबाधित सर्वे 2015-16-15-19 तक। अक्टूबर 2019 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा राष्ट्रीय दृष्टिहीनता एवं दृष्टिबाधित सर्वेक्षण जारी किया गया। सर्वेक्षण के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित 25% के लक्ष्य को पार करते हुए भारत ने दृष्टिबाधितता के मामले में लगभग 52% की कमी की है। सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 50 वर्ष से ऊपर के लोगों में दृष्टिहीनता का प्रमुख कारक मोतियाबिंद है। सर्वे के मुताबिक देश की कुल आबादी का 0.36% लोग दृष्टिहीन है, जबकि 2006-2007 में यह संख्या 0.68% थी। सर्वे के अनुसार मोतियाबिंद 66.2% मामलों के साथ दृष्टिहीनता सबसे बड़ा कारक है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग स्वच्छ भारत दिवस 2019 के बारे में। अक्टूबर 2019 तक सार्वभौम स्वच्छता की दृष्टि को प्राप्त करने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी और इसी क्रम में 2 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण को खुले में शौच से मुक्त कर घोषित किया है। 2 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद गुजरात में स्वच्छ भारत दिवस 2019 का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में डाक टिकट और चांदी का सिक्का जारी किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर गांधी जी को श्रद्धांजलि के रूप में आइंस्टीन चैलेंज का प्रस्ताव दिया है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गांधी जी आदर्श भविष्य की पीढ़ियों द्वारा भी याद रखे जाए। इस हेतु उन्होंने चिंतकों, उद्यमियों तथा तकनीकी नेतृत्वकर्ताओं से नवाचार के माध्यम से गांधी जी के सिद्धांतों का प्रसार करने में अग्रणी रहने का आह्वान किया है। उल्लेखनीय है कि 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा गांधी जी पर डाक टिकट जारी किया गया। भारत में 60 महीने में 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण कराकर 60 करोड़ से अधिक जनसंख्या को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई है। वर्ष 2014 में भारत में खुले से शौच करने वाले लोगों की संख्या 600 मिलियन थी, जो वर्तमान में घटकर लगभग नगण्य रह गई। विश्व में खुले शौच करने वाले लोगों की संख्या 60% की कटौती कर भारत ने वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्य 6 SDG 6 की प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान किया है। उल्लेखनीय है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत समय अक्टूबर 2014 में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 39% था, जो सितंबर 2019 तक बढ़कर 100% होगा। परिणाम स्वरूप 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 699 जिलों तथा 599,963 गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया है। प्रधानमंत्री द्वारा इस अवसर पर स्वच्छ भारत पुरस्कार भी वितरित किए गए।
अबे पर्यटन पर 2019, पर्यटन के लाभ पर ध्यान आकर्षित करने देश की सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन करने तथा सभी के लिए पर्यटन का सिद्धांत लागू करने के उद्देश्य के साथ पर्यटन पर्व का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है, वर्ष 2018 के दौरान ई टूरिस्ट वीजा के माध्यम से 2.4 मिलियन विदेशी पर्यटक भारत आए। यह पिछले वर्ष की अपेक्षा 39.6% वृद्धि को प्रदर्शित करता है। 2 अक्टूबर 2019 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी पर्यटन पर्व 2019 का शुभारंभ किया गया। पर्यटन पर्व 2019 का आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2 से 13 अक्टूबर 2019 के मध्य पूरे देश में किया गया। इसका प्रमुख लक्ष्य भारतीयों को देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने के लिए प्रोत्साहित करने साथ साथ सभी के लिए पर्यटन के संदेश का प्रचार प्रसार करना है। पर्यटन पर्व 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को समर्पित है। पर्यटन पर्व के 3 घटक हैं, देखो अपना देश, सभी के लिए पर्यटन एवं पर्यटन एवं प्रशासन। पर्यटन पर्व के दिल्ली चरण का आयोजन 2 से 6 अक्टूबर 2019 के मध्य राजपथ लॉन में किया गया। उल्लेखनीय है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत के पर्यटन के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई। WEF विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2019 में विश्व की 140 अर्थव्यवस्थाओं में से भारत को 34वें स्थान पर है, जबकि 2013 में 65वें इस रैंक में थी, 65वीं, ठीक है, और अभी 2019 में 140वें कितने में, 34वें। उल्लेखनीय है कि यात्रा एवं पर्यटन के प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2019 में स्पेन पहले स्थान पर तथा जबकि यमन 140वें स्थान पर है। सियाचिन पर्यटन के लिए बात करें तो 21 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार द्वारा लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र को पर्यटकों के लिए खोलने की घोषणा की गई है। यह घोषणा कर्नल चिवांग रिनचेन सेतु का के उद्घाटन के समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। ज्ञातव्य है कि सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। अब पर्यटक सियाचिन बेस कैंप से कुमार पोस्ट तक यात्रा कर सकेंगे। उल्लेखनीय है, सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है, जो कि पॉइंट एनजे 9842 के उत्तर पूर्व में है। यहाँ भारत पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा LOC समाप्त होती है, ठीक है। फिर ग्रामीण स्वच्छता रणनीति 2019-20, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय नया मंत्रालय बना हुआ है, ठीक है, याद रखना कि पेयजल और स्वच्छता विभाग ने 10 वर्षीय ग्रामीण स्वच्छता रणनीति को लॉन्च किया है। यह रणनीति स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के माध्यम से स्वच्छता संबंधी व्यवहार में हुए परिवर्तन को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु यह 10 वर्षीय रणनीति पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा राज्य सरकारों एवं अन्य हितधारकों के परामर्श से तैयार की गई है। इसके तहत खुले में शौच से मुक्त ODF+ श्रेणी की प्राप्ति हेतु स्थानीय सरकारों, नीति निर्माताओं, कार्यान्वयनकर्ताओं को एवं अन्य संबंधित हितधारकों की मार्गदर्शन के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई। ज्ञातव्य है कि ODF+ ऐसी श्रेणी है जिसके तहत सभी के द्वारा सुरक्षित स्वच्छता सुविधाओं के प्रयोग को जारी रखना तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थों का प्रभावी निपटान किया जाना शामिल है। यह रणनीति सतत विकास लक्ष्य 6 स्वच्छ जल एवं स्वच्छता से संबंधित है। भारतीय उल्लेखनीय है कि भारत पिछले 5 वर्षों के दौरान स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत प्राप्त किए गए खुले में शौच से मुक्त दर्जे को बनाए रखने हेतु प्रतिबद्ध है। इसी के तहत ODF श्रेणी का ODF+ श्रेणी के रूप में उन्नयन किया जाना है। दरवाजा बंद अभियान
दरवाजा बंद भाग दो अभियान। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत देश भर के गांवों को खुले में शौच से मुक्त ओडीएफ की स्थिति को बनाए रखने के लिए पर केंद्र दरवाजा बंद भाग दो अभियान की शुरुआत 2 फरवरी 2019 को की गई। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा निर्मित और विश्व बैंक द्वारा समर्थित इस अभियान का शुभारंभ मुंबई में किया गया। ज्ञातव्य है कि दरवाजा बंद अभियान की शुरुआत 30 मई 2018 को की गई थी। फिर बात करते हैं अगली खबर है स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत 2019। भारतीय रेल विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में शामिल है। इसके द्वारा प्रतिदिन लगभग 23 मिलियन यात्रियों का आवागमन तथा 3 मिलियन टन माल की ढुलाई संभव होती है। भारतीय रेल वे नेटवर्क 68,442 किलोमीटर से अधिक लंबा है, जिस पर लगभग 22,000 रेलगाड़ियां प्रतिदिन चल रही हैं। भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित होकर भारतीय रेल द्वारा स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य रेल यात्रियों की यात्रा अनुभव में सुधार करना है। 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर रेल मंत्रालय द्वारा स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत 2019 नामक रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा रेलवे स्टेशनों के स्वच्छता मानदंडों का आकलन करके तैयार की गई। सर्वेक्षण के अंतर्गत भारतीय रेलवे के 720 स्टेशनों को अच्छा कवर किया गया है इसमें, ठीक। सर्वेक्षण रिपोर्ट में NSG नॉन सबर्बन ग्रुप श्रेणी के तहत जयपुर राजस्थान रेलवे स्टेशन को पहली रैंकिंग प्रदान की गई। याद रखिए जयपुर को पहले स्थान पर, जोधपुर तथा दुर्गापुर को क्रमशः दूसरी और तीसरी रैंकिंग प्रदान की गई। SG श्रेणी में अंधेरी मुंबई को पहली, विरार को दूसरी, नएगांव स्टेशन को तीसरी रैंकिंग प्रदान की गई है। सर्वेक्षण रिपोर्ट में देश के 16 भौगोलिक रेलवे जोन, वर्तमान में देश में लग रेलवे जोनों की संख्या 18 हो गई 2019 में उत्तर पश्चिम रेलवे को प्रथम कौन से उत्तर पश्चिम रेलवे को प्रथम स्थान पर रखा गया है, वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे दूसरे, पूर्व मध्य रेलवे तीसरे, उत्तर प्रदेश में शीर्ष स्थान पर रहे शाहजहांपुर, इसे समग्र रूप से 21वें स्थान में लाया, जबकि फैजाबाद को 22वां। अब बात करते हैं अगली खबर द गांधीयन चैलेंज। द गांधीयन चैलेंज कार्यक्रम का शुभारंभ अटल नवाचार मिशन, अटल टैंकरिंग लैब्स, यूनिसेफ इंडिया और जनरेशन लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। यह नवाचारी कार्यक्रम देश के प्रत्येक बच्चे को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराता है जिससे वह महात्मा गांधी के सिद्धांतों की मदद से अपने सपनों के एक सतत भारत के निर्माण हेतु नवाचारी समाधान का सृजन कर सके। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 के अवसर पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। द गांधी चैलेंज प्रतियोगिता देश के प्रत्येक बच्चे के लिए 2 से 20 अक्टूबर 2019 तक खुली थी। इस प्रतियोगिता के तहत बच्चों को ऐसी नवाचारी विचार समाधान साझा करने थे जिनकी सहायता से गांधी के सिद्धांतों के अनुरूप सपनों के एक भविष्यवादी एवं सतत विश्व का निर्माण किया जा सके। इस प्रतियोगिता के तहत विचार एवं समाधान जिस व्यापक श्रेणियों के माध्यम से व्यक्त किए जा सकते थे, कला और नवोन्मेष, पत्र पत्रिकाएं, पेंटिंग, वीडियो और फोटो इत्यादि, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेंसर और 3D प्रिंटर। द गांधीयन चैलेंज की विजेताओं को नई दिल्ली में बाल दिवस 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है के अवसर पर नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन और यूनिसेफ इंडिया द्वारा सम्मानित किया गया है। ज्ञातव्य है कि अटल नवाचार मिशन के तहत 6 मुख्य पहले हैं, अटल टैंकरिंग, अटल इनक्यूबेशन सेंटर, अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस, मेंटर इंडिया कैंपेन, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, एराइज, ठीक।
अब बात करते हैं QS इंडिया रैंकिंग, इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020। QS यूनाइटेड किंगडम स्थित एक कंपनी है जो उच्च शिक्षा के संदर्भ में विशेषज्ञता रखती है और समय समय पर सार्वजनिक एवं निजी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग भी जारी करती है। इसमें देखने लायक तथ्य है, अक्टूबर 2019 में QS इंडिया रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 का दूसरा संस्करण विकसित किया गया। QS में ने 100 भारतीय शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में 8 संकेतकों को आधार बनाकर लॉन्च किया गया। इस रैंकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु को द्वितीय स्थान पर, तो आप लोगों को याद रखना है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे को पहला स्थान, IIS भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को द्वितीय स्थान, इसके पश्चात IIT दिल्ली तीसरे, IIT मद्रास चौथे, IIT खड़गपुर पांचवें स्थान पर है, IIT कानपुर छठवें, दिल्ली यूनिवर्सिटी सातवें, हैदराबाद यूनिवर्सिटी आठवें, IIT रुड़की नौवें नंबर पर, IIT गुवाहाटी दसवें नंबर पर। देश के अन्य प्रमुख संस्थानों में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 19वें स्थान पर, जामिया मिलिया इस्लामिया को 21वां, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 31वां, IIT इलाहाबाद को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, आयुष्मान भारत PMJAY 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रांची झारखंड में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया गया था। यह विश्व में सबसे बड़ी पूर्णता सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के विजन को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में की गई अनुशंसा के आधार पर इस योजना को लॉन्च किया गया था। आयुष्मान भारत PMJAY के शुभारंभ की पहली वर्षगांठ के अवसर पर 2 दिवसीय 30 सितंबर से 1 अक्टूबर 2019 तक आरोग्य मंथन समारोह का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। आरोग्य मंथन के दौरान प्रधानमंत्री ने एक स्मृति डाक टिकट का विमोचन करने के साथ आयुष्मान भारत स्टार्टअप्स ग्रैंड चैलेंज का भी शुभारंभ किया है। इस चैलेंज के तहत PMJAY के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को सहयोग करने के लिए भारत के स्टार्टअप समुदाय से अत्याधुनिक साधनों को विकसित करने का आह्वान किया गया है। आयुष्मान भारत योजना कोई एकल योजना ना होकर निम्नलिखित 2 बड़ी योजनाओं का संयोजन है, स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र। यह आयुष्मान भारत योजना के तहत पहला कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत 1.5 लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र की स्थापना की जाएगी। ये स्वास्थ्य केंद्र और गैर संचारी रोगों और मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं से व्यापक स्वास्थ्य देख रेख सुविधा उपलब्ध कराएंगे। दूसरा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना। आयुष्मान भारत योजना के तहत दूसरा कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना है। इसके अंतर्गत गरीब और आर्थिक रूप से 10 करोड़ से अधिक परिवारों, लगभग 50 करोड़ व्यक्तियों को प्रतिवर्ष द्वितीयक और तृतीयक स्तरीय देखभाल हेतु अस्पतालों की में भर्ती के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जाएगा। PMJAY के अंतर्गत वर्ष 2011 की सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना डाटा पर आधारित ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में निवासरत 10.74 करोड़ गरीब कमजोर आर्थिक स्थिति वाले तथा चिन्हित व्यवसायिक श्रेणियों वाले नगरीय श्रमिकों के परिवारों को कवर किया जाएगा। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को योजना का लाभ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से योजना में परिवारों में आकार और उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई, किंतु बीमा कवर प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक ही रहेगा। योजना में पात्र व्यक्ति सरकारी एवं निजी अस्पतालों पैनल में सूचीबद्ध दोनों में किसी भी में इलाज करवा सकता है। ABNHPM को लागू करने वाले राज्यों के सभी सार्वजनिक अस्पतालों को सूचना को योजना हेतु सूचीबद्ध माना जाएगा। इस योजना में केंद्र और राज्यों का योगदान 60:40 होगा। 3
तथा तीन पहाड़ी राज्यों एवं पूर्वोत्तर के राज्यों हेतु। यह योगदान 9:90:10 का होगा। बात करते हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लू प्रिंट। 15 जुलाई 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लू प्रिंट रिपोर्ट जारी की है। इस पर विभिन्न पक्षकारों से राय मांगी गई है। एनडीएचबी का उद्देश्य एक ऐसी राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी प्रणाली का निर्माण करना है जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्रभावी, सुलभ, समग्र, किफायती और सुरक्षित तरीके से प्रोत्साहित करती हो। उल्लेखनीय है कि एनडीएचबी केंद्र सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट है। इस समिति के चेयरमैन जे सत्यनारायण थे। चलिए तो इसमें इतना ही देखते हैं हम लोग, अब अगले लेक्चर में देखेंगे स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक SEQI, ठीक है, रैंकिंग।